अलहमदल्लाबिलामिन वसलामा अशरफ लम्बिया इबलमरसलिन अम्माबाद मोहतरम सामीन व नादरीन हजरात अल्लाह तबारक तलान कर रखा है कि जब भी मेरा बंदा मुझसे रब्ता करे मैं उसी वक़्त उसकी सुनता हूँ अजीब उदावतदा इदा दान जब भी पुकारे मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ और मुझे ही पुकारो मुझसे ही सुनो मुझे ही सुनाओ और मुझसे ही दुआ करो और कुछ अवकात ऐसे बतलाए हैं जिनमें अल्लाह तबारक व ताल हम सब के सहीरा गुना माफ़ कर देते हैं कुछ ऐसे अमाल बतलाए हैं मैं आपके सामने रखता हूँ सही मुस्लिम की हदीस है नबी उसम के अरशाद गिरामी है असलवातुल्कम्स पाँचों नमाजें जो शख्स पढ़ता है एक नमाज से दूसरी नमाज तक एक नमाज पढ़ी और दूसरी जब पढ़ी तो इन दोनों के दरमियान में जितने भी इंसान से सगीरा गुना हुए अल्लाह ताला वो माफ़ कर देते हैं ख़म्स वल जुमा तो इल जुमा व रमवानल रमवान देखे योमिया तौर पर एक नमाज से दूसरी नमाज यानी दिन रात में पांच नमाजें हैं तो एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान एक नमाज पढ़ी दूसरी पढ़ी तो इनके बीच में जो सहीरा गुना हुए अल्लाह माफ कर देता है ये योमिया ये योमिया एक गुनाहों की माफी के औकात है तो इस तरह अगर बंदा पढ़ता रहता है पांचों नमाजों के बीच में अगर कोई अः गुनाह हो जाते हैं अनजाने में पता नहीं चलता तो अल्लाह नमाजों को पढ़ने से माफ कर देते हैं आगे फरमाया हफ्तावार के वल जुम आया तूल जुमा एक जुमा पढ़ा और जब दू, दूसरा जुमा पढ़ा इन दोनों जुमे के दरमियान में जितना भी इंसान से सगीरा गुना हुए अगला जुमा पढ़ने से उस जुमे के मुकम्मल पाबंदी और उसके शरी हकाम को सामने रख कर दूसरा जुमा जब पढ़ेंगे तो इन दोनों जुमो के बीच में अगर इंसान से कोई सगीरा गुना हो गए हैं तो अगला जुमा पढ़ने से अल्लाह इस हफ्ते के दौरान वीरा गुना माफ कर देंगे और ये हफ्तावार अवकात इसी तरह अब सालाना नबीलाम फरमाते हैं वो रमजान इला रमजान एक रमजान से दूसरे रमजान तक एक रमजान से दूसरे रमजान तक एक रमजान के रोजे रखे दूसरे रमजान में जब रोजे रखेंगे तो इन दोनों रमजानों के बीच में जितना अरसा गुजरा है अल्लाह अगले रमजान के रोजे रखने की वजह से अल्लाह ताला इनके दरमिया वक़्त के जो गुनाह हैं सवीरा वो माफ कर देंगे अंदाजा कीजिए योमिया भी फिर हफ्तावार जुमे से जुमे तक फिर सालाना एक रमजान से दूसरे रमजान तक इसी तरह फरमाया कि रम वरंदा, रमजान इला रमजान मुकफ़रात इमाबाइना इन दोनों के दरमियान जो अवकात हैं यानी वो न एक नमाज से दूसरी नमाज एक जुमा से दूसरा जुमा एक रमजान से दूसरा रमज़ान इनके दौरानिए में इनके बीच में अगर इंसान से जितना सगीरा गुना हो गए अल्लाह ताला वो माफ कर देते हैं आगे फरमाया कबायर जब तक वो बड़े गुनाहों से बचा रहा अगर जो बड़ा गुनाह कोई कर लिया तो फिर कबीरा गुनाह जो है वो तोबा के बगैर माफ नहीं होते कबीरा गुनाह वो तोबा के साथ माफ़ होंगे वो अल्लाह ताला से सच्ची तोबा करनी पड़ेगी तब माफी मिलेगी इसी तरह एक और हदीस भी आती है नबी नबीसम फरमाते एक उमरे से दूसरे उमरे के दरमियान तो ये मुकफरात हैं अब यहां योमिया का तस्करा किया एक नमाज से दूसरी नमाज और इसी तरह हफ्तावार जुमे से जुमा कल जुमा है तो कुछ साथी सिर्फ ये जुमा जो है ना वो आखिरी वक्त में आते हैं हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए जुम्मा हफ्ते में एक बार आता है जो कि गुनाहों की मुआफी का एक सबब है तो गुनाहों की माफी का एक जरिया है तो हमें चाहिए हम बर वक्त वक्त पे आए जल्दी आए जब हम बकिया कामों के लिए तो चले जाते हैं पहले कहीं सफर करना हो तो बस की अगली सीट हो जी जहाज पे जाना है तो फिर भी अगली सीटों की तरफ कहीं लाइन लगना हो तो पहले हम हो लेकिन जुमा के लिए नमाज के लिए हम पहले नहीं आते याद रखिए नमाज हमारे गुनाहों की माफी का सबब है तो हमें जब बर वक्त पहुंचना चाहिए ताकि अगली नमाज पढ़ने से पिछली नमाज के दरमियान में जितने भी गुनाह हुए अल्लाह ताला वो माफ कर देता है अगले जुमे भी, भी बर वक्त पहुंचना चाहिए बावजू हो के और इस फजीलत को सामने रख के आना चाहिए अभी रमजान इन शाह एक महीने के बाद अगला महीना रमजान का ये रजब है आने वाला शाहबान उसके बाद रमजान है तो अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए कि हमने सलाना सालाना तौर पर भी हफ्तावार भी यो भी अपने पाबंदी से है जो है अल्लाह ताला से गुनाह माफ कराने हैं भले हुए हैं या नहीं हुए अल्लाह ताला के गुनाह से हम सबको को बचाए सरदी हदीर साहब के सामने रखनी थी कि देखिए अल्लाह ताला ने ये मौसम रखे हैं औकात रखे हैं अगर ऐसे बंदा करता रहे तो कोई वक्त नहीं बचता कि जब इंसान के गुनाह माफ ना हो रहे हूं हर वक्त माफ हो रहे हैं हर वक़्त माफ हो रहे हैं लेकिन इंसान तवज्जो से और तड़प से रगबत से जज्बे से ये काम करे अगली नमाज के लिए आता वक़्त ये हदीस जहन में हो कि अल्लाह जो कुछ हुआ माफ़ कर देना अगले जुम्मे के लिए जब आ रहे हो तब भी हदीस जहन में हो कि अल्लाह इन दोनों जुम्मे के बीच में अगर कुछ हो गया न जाने में अल्लाह तो माफ कर देना सगीरा गुना तो अल्लाह तला हम सब से राजी हो जाए अल्लाह हमें अमल की भी तोफ़ी अदा फरमाए और जुम्मे की रात है कल जुम्मा है कसरत से नबी सलाम की ज़ात पर दरुद पड़ा करें और अल्लाह हमें पढ़ने की भी तोफ़ी दे पाबंदी से बर वक्त जुम्मे पर पहुंचने की भी अल्लाह तोफ़ी अदा फरमाए और इसी तरह पांचों नमाजों के लिए अल्लाह ताला हमें भी और हमारी औलादों को भी हमारी नस्लों को भी पाँच वक्त का बा नमाजी बनाए और रमज़ान आने वाला है अल्लाह हमें ज़िंदगी भी दे और तोफीक भी दे ताकि हम रमज़ान के रोजा रख के अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों की माफी का जरिया बना सके असल वरहत ला वरकू